एक बात और प्यारी सी याद आती है, माँ बाप की बद्दुआ की हैसियत क्या है। एक इतने बड़े बुजुर्ग थे कि वो रात रात भर इबादत करते थे और दिन को रोजा रखते थे। एक दिन वो अपनी माँ के पास है और माँ से कहा, अम्मी मुझे बहुत याद आती है कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ करूं, काबे की बहुत याद आ रही है, रोजे रसूल की याद आती है, मैं जाना चाहता हूं। माँ ने कहा, बेटा मेरी खिदमत के लिए तेरे सिवा और कौन है? अगर तू चला जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, इसलिए मैं तुझे इजाजत नहीं देती, तूने नहीं जाना। अब उन्होंने ये सुना रुक गए, फिर दिल में ख्याल आया कि मां मना कर रही है लेकिन जाना तो नेक काम के लिए ना, काबतुल्लाह की हाजिरी के लिए जाना। अगर लोग बुरा नहीं माने तो मैं उनको ये बात भी कहना चाहता हूं, आज लोगों ने तबलीग के ऐसे तरीके निकाल लिए, माँ बाप घर में सिसकते हैं और बेटा कभी 40 दिन के लिए जा रहा है, कभी 4 महीने के लिए जा रहा है, कभी 1 साल के लिए जा रहा है। कहां जा रहे का दीन की तबलीग के लिए, कहां जा रहे का जन्नत की तलाश में। नादान जन्नत घर में उसे छोड़कर जन्नत की तलाश में जा रहे। अफसोस है लोगों ने खुदा जाने किस किस अंदाज से गुमराह करने की कोशिश की। तो अर्ज ये कर रहा था कि उस शख्स ने सोचा कि आखिर नेक काम के लिए तो जाना है और वो भी काबतुल्लाह की ज्यारत के लिए। काबे पे पहली नजर पड़े तो दुआएं कबूल होती है। वो शख्स माँ की इजाजत के बगैर निकल गए और उनका प्लान ये था कि वो दिन भर सफर करेंगे और रात को जहां रुकेंगे पूरी रात इबादत करेंगे। इस शान से वो काबतुल्लाह शरीफ तक पहुंचते पहुंचते सफर करेंगे। रात हुई, करीब के गांव तक पहुंचे थे, मस्जिद में दाखिल हुए, इबादत में मसरूफ हुए। उसी रात उस गांव के अंदर चोर आया और चोरी करते हुए किसी ने उसको देख लिया तो उसने शोर मचाया, चोर चोर, लोग उठे और उसके पीछे भागे। वो चोर आया मस्जिद की गली में और खुदा जाने कहां छुप गया। लोगों को ये शुबा हुआ कि ये मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। जब लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि एक बंदा सजदे में रो रहा है। इधर वो बंदा सजदे में रो रहा है, उधर माँ ने रात के वक्त जरूरत पड़ी तो आवाज लगाई, बेटा कहाँ हो? जब कोई आवाज नहीं आई तो दिल में ख्याल आया कि वो चला गया। जबान से बात निकली, अल्लाह मेरी इजाजत के बगैर गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। माँ की जबान से ये जुमले निकले, मेरी इजाजत के बगैर गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। इधर माँ ये कह रही है, उधर वो सजदे में रो रहे हैं, अपनी मगफिरत के लिए रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। ऐसी हालत में लोग अंदर दाखिल हुए, सजदे में देखा, सजदे से उठाया, अजनबी चेहरा था, लोग समझे यही चोर है। खूब मारा और मार करके कहा, पहले तो चोरी की और जब पकड़ाने की बारी आई तो सजदा करके सजदे को बदनाम करता है, लोगों को धोखा देता है, पकड़ करके जमा करा दिया। सुबह को काजी के पास ले गए, दरबार सजा, तो कहा कि उस चोर की सजा क्या है कि जो चोरी करता है वो पकड़े जाने के खौफ से सजदा करता है और सजदे को बदनाम करता है। काजी ने कहा, इसके हाथ काटो, पैर काटो, इसकी आंखें निकाल लो। हाथ काटे, पैर काटे, आंखें निकाल ली। और फिर काजी ने कहा, ऐलान करो जो चोरी करे और सजदे को बदनाम करे, सजदे की आड़ में अपने आप को बचाए, उसकी सजा यही है। जैसे किसी शख्स ने ऐलान किया, लोगों ये उस चोर की सजा है जो चोरी करता है और पकड़े जाने पे सजदे को बदनाम करता है, सजदे की आड़ में अपने आप को बचाना चाहता है, ये उसकी सजा है। जब ये ऐलान किया तो उस शख्स ने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, ये ऐलान मत कर, ये उस चोर की सजा है जो सजदे की आड़ में अपने आप को बचाता है, बल्कि ये उस उमरा को जाने वाले जाइरे काबा की सजा है जो अपनी माँ की इजाजत के बगैर काबे की जियारत को जा रहा था। बात दिल से निकली, दिल में उतरी, लोगों ने देखा तो पहचाना, अरे ये तो करीब के गांव के फुला बुजुर्ग है और लोग इनको बहुत अकीदत की निगाह से देखते हैं। अगर हमारा ये अमल उन लोगों को पता चल गया वो हमारे गांव की ईंट से ईंट बचा देंगे। उन्होंने फौरन खामोशी से उनको उठाया और दूसरी रात उठा करके ले जाकर एक इलाके में उनको डाल दिया, अंदाजे से कहीं भी ले जाकर उस गाँव में डाल दिया। अभी डाला, ये चीखने लगे, भूख लगी थी, कोई है मुझे खाना खिलाने वाला? करीब के घर से आवाज आई, ए फकीर
हाथ बढ़ा ताकि मैं तुझे खाना दूं। इन्होंने कहा कि माई मेरे हाथ कटे हुए हैं, मैं कैसे हाथ बढ़ा सकता हूं। तो कहा चल करके आ ताकि मैं तेरी झोली में खाना डाल दूं। तो कहा कि माई मेरे पैर भी कटे हुए हैं, मैं चल भी नहीं सकता। तो कहा तू अजनबी है, ना महरम है, मैं तेरे सामने कैसे आ सकती हूँ। तो कहा माई मेरी आंखें भी निकली हुई है, मुझे बस खाना खिला दे। जैसे घर से वो खातून बाहर निकली, क्या देखा कि वो कोई और न था, वो उन्हीं का बेटा था जो इजाजत के बगैर काबतुल्ला की हाजिरी के लिए जा रहा था। और माँ की जबान से निकला, मेरी इजाजत के बगैर गया, काबे तक पहुंचने न पाए। और फिर उनका ये हाल देखा, कहा बेटा तू, माँ थी, ममता थी, बर्दाश्त न कर सका, न कर सकी। माँ ने कहा ये तेरा हाल कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा माँ तुम्हारी इजाजत के बगैर काबे की जियारत के लिए जा रहा था, इसलिए मेरा ये हश्र हुआ। माँ थी, तड़पता देखकर बर्दाश्त न कर सकी, हाथ उठाकर दुआ किया, ए अल्लाह अब इस तकलीफ में ना इसे रख ना मुझे रख, इसे भी उठा ले, मुझे भी उठा ले, ताकि ये दुख इसका भी खत्म हो जाए और मेरा भी खत्म हो जाए। बस दुआ अभी मुकम्मल ना हुई थी, ये भी जमीन पे गिरी और उनकी भी रूह परवास कर गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ मना करे, काबे को जाने वाले का ये अंजाम होता है। तो जो लोग माँ के मना करने के बाद नाजायज लड़कियों से दोस्ती कर रहे हैं, पसंद की शादियां कर रहे हैं, जिना के अड्डों पर, जुओं के अड्डों पर, खेलकूद में जा करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनका अंजाम क्या होगा? अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की कदर की तौफीक अता फरमाए। SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले।